हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या होती है उसको लेके उपस्थित हुए हैं। गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटी के द्वारा ही हम किसी भी गोली दर्पण का या लेंस का, चाहे जिसकी बात करें, दर्पण का या फिर बाद में हम लेंसों की चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। तो बिना चिन्ह परिपाटी के, यानी प्लस माइनस का जो निशान हमारा लगाया जाता है, बिना चिन्ह परिपाटी के समझे हम नहीं लगा सकते। आप वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को कैसे लिखते हैं, प्लस कब लगेगा, कब माइनस लगेगा, कब वो धनात्मक स्थिति में होगा, कब वो ऋणात्मक स्थिति में होगा, बिना चिन्ह परिपाटी के समझे हम उसको नहीं समझ सकते। आप एक भी न्यूमेरिकल, एक छोटा सा छोटा न्यूमेरिकल बिना चिन्ह परिपाटी के कभी सही नहीं कर सकते। इसलिए बेहद जरूरी है कि बहुत ध्यान से अस्थाई होके आप दर्पण की जो चिन्ह परिपाटी है उसको आसानी से समझें, और बहुत ही बेहद तरीके से उसको हम बताने जा रहे हैं। बड़ी आसानी से, बहुत आराम से समझिए उसको, एक एक चीज को पकड़ते चलिए और नोट करते चलिए। ये आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिना चिन्ह परिपाटी के आप एक भी न्यूमेरिकल दर्पण का सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखते हैं कैसे होता है ये। जैसे आपका अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, चिन्ह परिपाटी दोनों के लिए एक है। तो जैसे हमने ये बनाया, आपका अवतल दर्पण बनाया, आप ये जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, या किसी भी गोली दर्पण के पारदर्शी माध्यम का जो मध्य बिंदु होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव की बड़ी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। ये आप क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष बना दिए हैं हम यहाँ पे। चलिए, अब ये चीज हो गई आपकी। एक चीज आप पहले थोड़ा सा समझिए, आप निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 में पढ़े होंगे। जो आपकी निर्देशांक ज्यामिति होती है वो इस तरीके से होती है। आपका यक्ष हुआ करता था यक्ष डैश, ये वाई हुआ करता था आपका वाई, ये बिंदु ओ हुआ करता था। इसको हम नाम देते थे क्या, मूल बिंदु। ठीक, इसको हम नाम देते थे मूल बिंदु। और हम इसमें ज्ञात कैसे करते थे इसको, ये आपका मूल बिंदु हुआ करता था। जब भी हम यक्ष अक्ष की ओर बढ़ते थे, ध्यान दीजिए, मूल बिंदु से हम जब भी दाईं ओर जाते थे, मूल बिंदु से दाईं ओर जाने का मतलब हम मूल बिंदु से यक्ष अक्ष की ओर जा रहे हैं। यानी दाईं ओर जाने का मतलब जो हम जाते थे हमेशा क्या लिया करते थे, प्लस लिया करते, जो भी संख्या लिखते थे प्लस में लिखते थे। अब इसी मूल बिंदु के जब हम बाईं ओर आते थे, यानी मूल बिंदु से पीछे की ओर आते थे, तब हम उसको किस में लेते थे, ऋणात्मक में लेते थे। अगर हम बात करें इस मूल बिंदु से ऊपर, यानी वाई अक्ष पे जब हम ऊपर की ओर जाते थे तब धनात्मक लेते थे, नीचे आते थे तो क्या लेते थे, ऋणात्मक लेते थे। अगर एक तरीका से हम और समझे, मूल बिंदु से ऊपर जाने का मतलब क्या है, मूल बिंदु से ऊपर जाने का मतलब इस पूरे यक्ष यक्ष डैश से हम क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। मूल बिंदु से नीचे जाने का मतलब क्या है कि पूरे यक्ष यक्ष डैश से हम नीचे आ रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहां भी आपकी वाई की वैल्यू निगेटिव होती थी, यहां भी आपकी वाई की वैल्यू क्या होती थी, निगेटिव। यानी यहां आपका वाई की वैल्यू पॉजिटिव होता था, यहां भी आपका वाई की वैल्यू क्या होता था, पॉजिटिव। यानी हम कहें कि जब हम यक्ष अक्ष के ऊपर जाते हैं तो सभी संख्या हमारी पॉजिटिव मिलती है, यक्ष अक्ष के नीचे आते हैं तो सभी संख्या हमारी निगेटिव मिलती है। अगर हम उसी तरीके से मूल बिंदु के दाईं ओर सोचें तो पॉजिटिव, बाईं ओर सोचें तो निगेटिव। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वाई अक्ष के दाईं ओर जाते हैं तो पॉजिटिव, जब आपका प्लस यहां भी मिलता था इस वाले निर्देशांक में भी और इसमें भी आपको प्लस मिलता था यक्ष वाला। जब आप मूल बिंदु से या वाई वाई डैश से बाईं ओर आते हैं तो यहां भी आपको निगेटिव मिलता था और यहां भी आपको क्या मिलता था, निगेटिव। तभी तो आपका प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस हुआ करता था। सेम यही प्रोसेस आपको यहां पर भी अप्लाई करना है। यहां आप क्या करते थे, समस्त दूरी को मूल बिंदु से ज्ञात करते थे, यहां आप समस्त दूरी को ध्रुव से ज्ञात करेंगे। ध्यान से समझिए,
समस्त दूरी को मूल बिंदु से ज्ञात करते थे, समस्त दूरी को ध्रुव से ज्ञात करेंगे। मूल बिंदु के दाईं तरफ सारी दूरी हमारी धनात्मक आती थी, तो दर्पण के ध्रुव के दाईं तरफ सारी दूरी आपकी क्या होगी, धनात्मक होगी। मूल बिंदु से बाईं तरफ सारी ऋणात्मक होती थी, यहां पे दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ सारी क्या होगी, आपकी ऋणात्मक होगी। यहां आप देख पा रहे हैं कि मूल बिंदु से ऊपर सारा आपका धनात्मक होता था, यहां मुख्य अक्ष के ऊपर आपका धनात्मक होगा। यहां आपका क्या था, इसके नीचे यानी मूल बिंदु के नीचे ऋणात्मक हुआ करता था, यहां मुख्य अक्ष के नीचे आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फिर से एक बार समझिए आप कि समस्त दूरियां जो होंगी वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगे। इसको आपको पूरी तरीके से याद रखना है, दिमाग में एकदम से पूरी तरीके से सेट करके रखना है। हम उसको नोट करवाते हैं एक एक करके आपका। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, एक मिनट देखिए, ये आपका क्या है, समस्त दूरी जो होगी आपकी, समस्त दूरी आपकी कहां से नापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव से। पहला पॉइंट आपका, समस्त दूरियां, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। ठीक, दूसरा पॉइंट आप क्या कहेंगे, दर्पण के ध्रुव के नापी गई समस्त दूरी, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर नापी गई समस्त दूरी क्या होगी आपकी, धनात्मक। दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर नापी गई समस्त दूरियां क्या होती हैं आपकी, धनात्मक होती हैं। ठीक, दूसरी चीज यानी दर्पण के ध्रुव के इधर हम जितनी भी दूरी नापेंगे सब क्या होगी, धनात्मक होगी। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती है। नंबर तीन, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं, यानी इधर नापी गई समस्त दूरी आपकी क्या होगी, इसके इधर नापी गई सारी की सारी दूरी आपकी ऋणात्मक होगी। अगली चीज क्या है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई समस्त दूरी आपकी क्या होगी, धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं। ठीक, इसी प्रकार नंबर पांच जो होगा आपका, मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक, इतनी सारी चीजें आपकी हो गई। किसी किसी चीजों में आप एक चीज और देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्या होगी, आपतित किरण। ये आपका क्या हो गया, आपतित किरण की दिशा। अगर आप यहां से सोचें तो आपतित किरण की दिशा इधर होगी, यानी जब आप यहां से देखेंगे तो आपतित किरण आपकी इधर जाती हुई दिखाई देगी। सपोज करिए, तो आपतित किरण की दिशा में जो दूरी होती आपकी वो क्या थी, धनात्मक।
और इधर से आप इधर देखेंगे तो आपतित किरण इधर और डिस्टेंस इधर, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में दूरी जो होगी वो ऋणात्मक, आप ऐसे भी कह सकते हैं। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी आपतित किरण की दिशा में जो दूरी होती है आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक एवं विपरीत दिशा में नापी गई दूरी विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है आपकी, ऋणात्मक होती है। बस आप मेन आपका ये पांच है, अगर इस पांच चीजों को आप आसानी से समझ गए तो सारी चीज आप समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, यहां से इधर की सारी दूरी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। यहां सारी दूरी आपकी क्या होगी, निगेटिव। क्यों, क्योंकि आप कहां से नाप रहे हैं, ध्रुव से। इसके ऊपर जब जाएंगे आप इधर तो क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो क्या होगा आपका, निगेटिव। यानी यहां पर भी आप नीचे आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव, और ऊपर जाएंगे तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, इस तरीके से आपका क्या है कि गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या होती है, देखी जा सकती है। तो इस गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ हमको परिणाम प्राप्त होते हैं, हम उस परिणामों को जरा ध्यान से देखते हैं। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि परिणाम क्या प्राप्त होता है। जैसे जैसे आप ये जानते हैं, ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, और हम जानते हैं कि वस्तु हमेशा कहां रखी जाती है, मुख्य अक्ष पर रखी जाती है। वस्तु हमेशा कहां रखी जाती है, मुख्य अक्ष पर रखी जाती है। यानी अगर हम दर्पण के ध्रुव से इस वस्तु की दूरी की बात करें तो ये दर्पण के ध्रुव के हमेशा बाईं तरफ होगा, और हमने कहा कि बाईं तरफ नापी गई दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक। यानी हम ये कहें पॉइंट वन महत्वपूर्ण परिणाम, ध्यान दीजिए, पॉइंट वन आपका क्या होगा, ठीक, पॉइंट वन जो आपका होगा, वस्तु की दूरी, ठीक, सदैव क्या होगी, ये आपका क्या होगी, सदैव ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि वस्तु जब भी रखा जाएगा दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर रखा जाएगा। ठीक, इसी कड़ी में अगर हम दूसरी चीज देखें, वस्तु की लंबाई की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम वस्तु की लंबाई की बात करें तो ये आपका देखिए, जब भी वस्तु आपका रखा जाएगा मुख्य अक्ष के ऊपर, ये क्या होगा, सदैव धनात्मक, क्योंकि हमने बताया कि मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई समझ दूरी धनात्मक। कभी हम वस्तु को ऐसे रखेंगे तो ऋणात्मक। ठीक, तीसरी चीज अगर देखें, प्रतिबिंब की अगर हम लोग बात करें, प्रतिबिंब की, तो जो आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो प्रतिबिंब हम जानते हैं दो तरीके से प्राप्त होता है। पहला आपका क्या होता है, वास्तविक, ठीक। जब आपका वास्तविक प्राप्त होता था, हमने अलग अलग स्थितियों में गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है हमने आपको बताया था, तो आप वहां देखिए और समझिए कि जब भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता था वो हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त होता था, और कहां प्राप्त होता था, दर्पण के सामने, यानी दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिएगा पिछले लेक्चर को, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हुआ करता था आपका क्या, वास्तविक प्रतिबिंब।
यानी वास्तविक के लिए जो दूरी होगी, वास्तविक के लिए दूरी हमेशा आपकी क्या होगी, ऋणात्मक। लंबाई क्या होगी वस्तु की, ये भी आपकी क्या होगी, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है आपका, उल्टा। और उल्टा बनेगा तो मुख्य अक्ष के नीचे, और मुख्य अक्ष के नीचे जब वो बनेगा तो किस में लिया जाएगी उसकी दूरी, यानी वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी की बात हो तो वो भी ऋणात्मक लिया जाएगा, और वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई की बात हो तो उसकी भी लंबाई हम कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेते हैं। चलिए दूसरी चीज अगर देखें हम लोग, आभासी प्रतिबिंब के लिए आप ध्यान दीजिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आपकी दूरी थी, आप देखिए आभासी प्रतिबिंब जब भी बना दर्पण के ध्रुव के दाईं तरफ बना, उत्तल दर्पण में दोनों स्थितियों में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, अवतल दर्पण में एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था वो भी दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, यानी दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर नापी गई समझ दूरी क्या होती है आपकी, साइन कन्वेंशन आपका कहता है, चिन्ह परिपाटी कहता है कि वो धनात्मक होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब के लिए जब हम दूरी नापेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक। यानी आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक। और लंबाई की बात करें तो ये हमेशा सीधा बनता है, यानी ये मुख्य अक्ष के ऊपर बनता था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी धनात्मक, क्योंकि हम जानते हैं कि नापी गई समझ दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष के ऊपर वाले धनात्मक। ये आपके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि हमको चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखने होते हैं, दिमाग में पूरी तरह से हमको फिट करने करके रखना है कि वस्तु की दूरी हम सदैव ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि वो हमेशा दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर रखा जाएगा। अगर उसकी लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है तो हम उसको भी क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे वस्तु की लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर बनता है, और उसकी लंबाई जो होगी वो हमेशा क्या होगी, वास्तविक प्रतिबिंब की ऋणात्मक में ली जाएगी, क्योंकि वो हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। और जब हम आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे, आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के ध्रुव के दाईं तरफ प्राप्त होता है तो वो क्या होगा, धनात्मक लिया जाएगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है, यानी दर्पण का जो हमारा मुख्य अक्ष होता है मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, यानी वो भी हमेशा क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को, इसकी सहायता से न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि दर्पण समस्त दूरी आपकी दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी, दर्पण के ध्रुव के दाईं तरफ नापी गई समझ दूरी धनात्मक, दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ नापी गई समझ दूरी ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई समझ दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई समझ दूरी आपकी क्या होगी, ऋणात्मक। तो इस तरीके से आपका चिन्ह परिपाटी समाप्त हुआ है। इसको एक दो बार देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये कभी नहीं आता कि किसी भी गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी आप लिखिए, लेकिन इस गोली दर्पण द्वारा जो चिन्ह परिपाटी होता है इसका उपयोग सबसे ज्यादा है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।